प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह। भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जो लगातार तीसरी बार सत्ता संभाल रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर हुआ ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह सादगी से संपन्न हुआ। पीएम मोदी के पिछले दोनों शपथ समारोह की तरह इस बार भी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत के पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया गया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया गया। मालदीव से वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए आए। मुइजू की जिस तरीके की भारत विरोधी और चीन समर्थक की छवि है, उसे देखते हुए यह भी मुमकिन हो सकता था कि वो अपनी जगह किसी प्रतिनिधि को भेज देते। आखिर चीन को न्योता जो नहीं दिया गया था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि मुइजू ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एशिया की एक बड़ी ताकत भारत से गए न्योते के सम्मान की सद्बुद्धि दिखाई। वो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए, अपनी कुर्सी तक पहुंचे, वहां अगल बगल के मेहमानों से हाथ मिलाया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। कट्टर भारतीय विरोधी मुइजू के पास ये मौका था कि वो दोनों देशों के बीच रिश्तों में आए तनाव को कम करने की पहल कर सकते थे। वही भारत और मालदीव के द्विपक्षीय रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। 1965 में जब इस द्वीप पर ब्रिटेन का औपनिवेशिक शासन खत्म हुआ, तब से ही भारत और मालदीव के बीच मजबूत रिश्ते रहे। मालदीव की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक तौर पर बहुत अहम बनाती है। हिंद महासागर में स्थित ये द्विपक्षीय देश अरब सागर के लिए द्वार का काम करता है। भारत मालदीव के सुख दुख का साथी रहा है। जब जब इस द्वीपीय देश पर संकट आया है, भारत सबसे पहले मदद को आगे बढ़ा है। 1988 में जब मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हुई, तब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन कैक्टर चलाकर उसे नाकाम किया था। दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई, तब भारत के तट पर भी प्रभावित हुए थे। इसके बावजूद उसने 24 घंटे के भीतर मालदीव में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन सी वेव चलाया। उसके 10 साल बाद जब दिसंबर 2014 में मालदीव के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगी, तब भारत ने प्लांट के दोबारा चालू होने तक लगातार इस द्वीपीय देश को पीने के पानी की सप्लाई की। ऑपरेशन नीर चलाकर शुरुआती 12 घंटे के भीतर ही भारत के जहाज पानी लेकर मालदीव पहुंच गए। भारत ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत के लिए जरूरी साजो सामान भी भेजे। कोरोना टाइम्स में भारत ने ही सबसे पहले मालदीव को वैक्सीन की सप्लाई की, वो भी गिफ्ट के तौर पर। दवा, अनाज, फल, सब्जी, मसाले जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मालदीव भारत पर ही निर्भर रहा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है टूरिज्म, और भारत उस टूरिज्म की बड़ी रीढ़ है। दरअसल भारत और मालदीव के रिश्तों में तनाव तब आया जब मुइजू पिछले साल वहां के राष्ट्रपति चुने गए। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ जहरीला अभियान चलाया। मालदीव के साथ हुए समझौते के तहत वहां कुछ भारतीय सैनिक तैनात थे, उन्हें वापस भेजने के लिए मुइजू ने इंडिया आउट का नारा दिया था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा कि भारत मालदीव का करीबी सहयोगी बना रहेगा, लेकिन कथनी और करनी का अंतर दिखाते हुए उन्होंने भारत विरोधी रुख अपनाया। इससे द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव बढ़ा। ये तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब इस साल जनवरी में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को एक शानदार पर्यटक स्थल के तौर पर प्रमोट करते हुए वहां की अपनी यात्रा की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की। इससे मालदीव को मिर्ची लगी और मुइजू ने कुछ बदतमीज मंत्रियों ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।